दोस्तों, वागामोन केरल के कोटायम और इडुक्की जिले की सीमा पर स्थित है। यह एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ पे हरे भरे मैदान, नीली पहाड़ियाँ, खूबसूरत झरने आदि इस जगह को और भी सुंदर बनाते हैं। दोस्तों, मैं हूँ गयासुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं ओशियन ट्रिप। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको घूमने के लिए अच्छी जगहों की जानकारी मिलते रहेंगी। दोस्तों, वागामोन में घूमने के अलावा आप ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग और पर्वतारोहण जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वागामोन में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों के बारे में। तो सबसे पहला स्थान है वागामोन वाटरफॉल। वागामोन वाटरफॉल चारों तरफ से प्राकृतिक खजानों से भरा है, जहाँ आप बेहिसाब कुदरती खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यह वाटरफॉल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी दुधिया धार पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच निकलता यह झरना बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। अगला स्थान है थांगलपरा। वागामोन के प्राकृतिक आकर्षणों में आप यहाँ के थांगलपरा स्थल की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। यह यहाँ का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक है। थांगलपरा के व्यू पॉइंट से आप यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। अगला स्थान है इडुक्की बांध। वागामोन के नज़दीकी खास स्थलों में आप इडुक्की बांध की सैर का प्लान बना सकते हैं। खूबसूरत पेरियार नदी पर बना यह बांध एक ज्यामितीय चमत्कार है। बांध की आकर्षक संरचना यहाँ आने वाले सैलानियों को काफ़ी आकर्षित करती है। इडुक्की बांध केरल के सबसे खास पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। बांध के आसपास के नज़ारा देखने लायक है। अगला स्थान है वागामोन झील। वागामोन के प्राकृतिक सुंदरता में आप यहाँ की वागामोन झील घूमने का प्लान बना सकते हैं। यह झील एक शानदार पर्यटन स्थल है। मनमोहक वातावरण और पहाड़ी परिदृश्य के साथ यह झील सैलानियों का यहाँ आने पर विवश करती है। इस झील में आप बोटिंग के साथ अन्य वाटर एक्टिविटीज का भी आनंद ले सकते हैं। अगला स्थान है देवदार के जंगल। अगर आप फॉरेस्ट प्रेमी हैं तो आप यहाँ के इस जंगल को जरूर देखें। देवदार के इन जंगलों की खासियत इस बात से लगाई जा सकती है कि यहाँ के दृश्यों को कई बार फिल्मों में दिखाया जा चुका है। जंगल के आसपास कई सुंदर जगह मौजूद हैं, जिन्हें आप वागामोन यात्रा के दौरान देख सकते हैं। दोस्तों, वागामोन जाने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो शहर से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप बस या टैक्सी के द्वारा वागामोन जा सकते हैं। ट्रेन से वागामोन जाने के लिए नज़दीकी स्टेशन कोटायम है। यहाँ के लिए देश के प्रमुख शहरों से डायरेक्ट ट्रेन सेवा मिल जाएंगी। बस से वागामोन जाने के लिए केरल राज्य सरकार की बसें कोची, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम और मदुरई शहर से वागामोन के लिए बस मिल जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।